लॉट टूडे इज एट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेटस है आंसर हैं अरावली रेंज में जो हाइएस्ट पीक है उसका नाम है धूप शिखर इंडिया में लार्जेस्ट एरिया अंडर ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र में आर्टिकल फोर्टी एट ए में लिखा है स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट प्राइम मिनिस्टर अलोकेट करते हैं रिशफल करते हैं वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स आर्टिकल टू टू सिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू इशू रिट्स अंडर दिस आर्टिकल टू टू सिक्स बाकी जो आर्टिकल थर्टी टू है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेसन होता है तो रिट्स इशू कर सकती है सो दीज आर जनरलीफ रॉक्स किस टाइप की रॉक में फॉसल्स इन यूरोप विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड वॉट इज द एवरेज सेलिनिटी पर थाउजेंड में एवरेज सेलिनिटी ऑफ सी वॉटर सागर माथा इज अनादर ने पीक सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो है क्विजी इसका मतलब होता है जो नोसिएटेड फील कर रहा है फीलिंग सिक रोगी कैमरे डायरे का मतलब होता है सौहार्द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर फेलोशिप फ्रेंडशिप एनेक्डोट का मतलब होता है जैसे हम ऐसे में शुरुआत में कोई स्टोरी बता रहे हो नैरेटिव बता रहे हो सो अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन एनिग्मा इज अ पहेली अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस पजलिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑलीगार्कि ऑलीगार्क जैसे रशिया में काफ़ी टर्म ये यूज हो रहा है ऑलीगार्क ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है कंट्री ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन एक्चुअली दीज आर कुलीन वेरी रिच बिजनेस मैन एट्सट्रा सिंडिकेट बंच सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज एफ मार्च है आज हम इन दोनों सवालों पर आंसर राइटिंग करेंगे हमारा रेफरेंस मटेरियल है दिंदू आज हम पढ़ेंगे ये आर्टिकल वॉन्ट मदरस नेम ऑन पैन रन अराउंड इज ऑन द कार्ड दिस इज वन इम्पॉर्टेंट न्यूज दैन दिस इज अपडेट ऑन यूक्रेन रूपी का सिंक हुआ रिकॉर्ड लो ऑयल प्राइस पाइक देन दिस इज वुमेन सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी दिल्ली पुलिस ने कहा रिकॉर्ड सेटिंग फ्लीट है आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है अ हाउस ऑफ कार्ड्स एन एस ई में जो स्कैम टाइप चीज़ें हुई इसके क्या रेमिफिकेशंस हैं सील्ड कवर क्यों जूरिस में अपेलिंग है अपेलिंग देन टेरर एंड पेशावर वर्किंग वूमेन टू विद ड्रीम ऑफ गुड चाइल्ड केयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अ मोर ह्यूमन सोसाइटी पॉसिबल येस डे ऑफ फॉल्स होप्स फॉर सुमी स्टूडेंट्स चाइना मूव फॉरवर्ड दैन दिस इज न्यूज ऑन डी डी इंडिया डी डी इंडिया भी अब ओ टी टी प्लेटफॉर्म के तहत आएगा सेंटर ने एनडीए इंडक्शन विमेन के लिए थोड़ा और टाइम मांगा है चाइना वर्ल्ड न्यूज है ये देन ऑयल और निकल सोर सोर ऑन फीयर्स ऑफ सप्लाई के प्लन्ज हुआ है यूक्रेन क्राइसिस दैन टेक्सट एंड कॉन्टेक्सट में आज हम देखते हैं द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नो फ्लाइंग जोन्स FATF के क्या मायने हैं एन इलेक्शन फोरकास्ट सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीजिक आंसर राइटिंग जो प्रीवियस डे का है उसका डिस्कशन भी करेंगे रन अराउंड इज ऑन द कार्ड्स मदर्स नेम ऑन पैन परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार तो इसका एक वर्क अराउंड होगा मतलब एक प्रोविज़न होगा जिसमें मदर्स नेम भी वहाँ पे लिख सकते हैं तो दिस इज अगेन वन सिग्निफिकेंट न्यूज़ एक केस यहाँ पे बताया है कि अ पर्सन वॉन्टेड टू राइट हिज मदर्स नेम ऑन हिज़ पैन कार्ड तो उसके लिए क्या डिफिकल्टी उसको फेस करना पड़ा और फिर गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ भी किया जो नियम है उसको इन सिंक भी किया और इसको अलाउ किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल्स 2018 में चेंज किए थे कि जो टैक्स पेयर्स हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं तो उनको भी सिंगल पेरेंट्स हैं तो उनको अपनी मदर का नाम वहाँ पे लिखने का पूरा अधिकार है तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए टू राइट देयर मदर्स नेम इंस्टेड ऑफ मैंटोरली प्रोवाइडिंग देयर फादर्स नेम एज़ वेल एज द चॉइस बिटवीन मदर्स और फादर्स नेम तो दिस इज़ ऑल अप टू दैट पर्सन कि वो अपनी मदर का नाम लिखना चाहता है या अपने फादर का नाम लिखना चाहता है तो ये चॉइस मिलनी चाहिए और ये जो होगा वो उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन है कार्ड में किसका नाम लिखा है तो ये रूल्स हैं बट ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे इस चीज़ को न्यूज़ में लाया गया तो अब ये चीज़ का रन अराउंड है पैन जो ई फाइलिंग है उसमें अपडेट्स करने का प्रोविजन होगा डिपार्टमेंट्स एक्चुअली स्लो होते हैं नियम बन जाते हैं बट डिपार्टमेंट्स उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगाते हैं तो ये एक ऐसा सच केस है एक्सेप्टिंग विमेन एज लीगल गार्डियन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए सिमिलरली जो पासपोर्ट है पासपोर्ट में भी अलाउड है एप्लीकेंट टू प्रोवाइड द नेम ऑफ फादर और मदर और लीगल गार्डियन सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो क्विकली इम्प्लीमेंट होना चाहिए अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी तो एन सी पी सी आर ने यहाँ इंटरवीन किया वॉट इज एन सी पी सी आर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो पासपोर्ट रूल्स में भी अमेंडमेंट है और पैन में भी अमेंडमेंट है इट अप टू द एप्लीकेंट की वो यहाँ पे किसका नाम लिख रहा है या फिर लीगल गार्डियन का नाम लिख रहा है ओके okay? जो नेक्स्ट न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात किया प्रेसिडेंट यूक्रेन जेलेंसकी अबाउट प्लाइट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स सी यहाँ देर इज नो डाउट वॉर टॉन है अभी यूक्रेन और यहाँ लाइफ का थ्रेड बना हुआ है हमारे बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे अभी स्टक हैं और इनको वापस लाने की कोशिश भी की जा रही है ऑपरेशन गंगा दिस इज अपील कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हो जो सिविलियंस हैं उनकी लाइफ को थ्रेट किसी भी टाइप का नहीं आना चाहिए रुपी सिंग्स टू रिकॉर्ड लो एज ऑयल प्राइसेस प्राइसनो सी सतहत्तर रुपए का हो गया है एक डॉलर ये भी और वर्जन हो सकता है एक्चुअली क्या होता है जब भी वॉर होता है वॉर होता है तो क्या होता है अनसर्टेनिटी होती है अनसर्टेनिटी होती है तो सब ढूंढते हैं सेफ हेवन सेफ हेवेन मतलब जो रिलायबल है जो ज़्यादा वैलिड होगा जो ज़्यादा सेफ रहेगा तो पूरी जो करेंसी है एक्सपेंसेस हैं जो मार्केट है वो सब सेफ़ करेंसी की तरफ भागते हैं डॉलर रिलेटिवली सेफ माना जाता है गोल्ड रिलेटिवली सेफ माना जाता है तो सब डॉलर में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं अब ये दोनों चीज़ जब भी आप देखना अनसर्टेनिटी होगी शॉक्स लगेंगे वर्ल्ड में तो ये चीज़ राइज होती है डॉलर और गोल्ड और इंडियन रुपयी हुआ इंडियन रुपी और दूसरी करेंसी भी वो डिक्लाइन होता है उनका तो पैराबोलिक राइज हुआ क्रूड ऑयल प्राइसेस में मल्टी ईयर हाई पे है कमोडिटी की प्राइसेस भी बढ़ बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन आने वाला है बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन आने वाला है प्राइसेस आर फ्यूलिंग इन्फ्लेशनरी रिस्क और फिर हेडविंड्स भी हैं रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट में हेडविंड्स मतलब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है सामने से अगेंस्ट आ रहा है फ्रिक्शन आ रहा है तो वो ऑफ डिफिकल्ट हो रहा है तो ये हेडविंड हुआ तेल विंड मतलब होता है फेवरेबल चीजें हैं हेड विंड मतलब होता है अनफेवरेबल चीजें तो अभी रुपी और इंडियन इकोनमी में ये डिफिकल्टी आ गई है सिग्निफिकेंट आउटफ्लो हो रहा है सब पैसा निकाल रहे हैं इक्विटीज ग्लोबल क्यूज से डोमेस्टिक करेंसी दैट इज बाय अपना थोड़ा वीकन हो गया सतहत्तर रुपये का ये हो गया है अब ये जो पूरा क्राइसिस है ना ये सब डिपेंड करेगा यूक्रेन में आगे क्या होता है सो इसीलिए आई कीप ऑन टेलिंग इकोनॉमिक्स में आज की टाइम पे ज़्यादा डेटा प्रोजेक्शंस थ्योरीज इसमें नहीं जाना है ये टाइम है जब आप बेसिक्स अपने कवर करो एग्ज़ाम्स में भी बेसिक्स ज़्यादा पूछे जाएंगे बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है यहाँ पे इससे एम बनाना बहुत डिफिकल्ट है इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ उसकी समरी पढ़ लो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट बहुत सारी जो चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे की है ना वो अगर यूक्रेन क्राइसिस आगे बढ़ा तो वो जंक हो जाएगी वो वैलिड ही नहीं रहेगी वो बातें सो दैट इज़ वाई थोड़ा एफिशिएंटली जो बेसिक्स हैं इकोनॉमी के उधर आप ज़्यादा ध्यान दो की टर्मिनोलॉजीज रेपो क्या होता है बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हो गया फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कैपिटल अकाउंट क्या होता है करंट तो ऐसे जो बेसिक की वर्ड्स हैं ना उसको आप ज़्यादा ध्यान दो बाकी अपना इंडिविजुअल सेशंस चल रहे हैं कंटिन्यूड है टारगेट है, है इस वीकेंड तक सबका फर्स्ट और सेकेंड राउंड हो जाएगा दिस इज ऑन मी इसको अपन फुल थ्रोटल कर रहे हैं आज भी मैं आवर्स बढ़ा रहा हूं इसके फर्स्ट और सेकेंड राउंड बाय दिस वीकेंड सबका कवर हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है कॉन्टेक्ट मी और मैं उसी दिन पे या नेक्स्ट डे इमिजिएट स्लॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा गूगल मीट का ओके सो दिस इज अबाउट रिकॉर्ड लो एज ऑयल प्राइसेस संडे तक हमें सबका सेकेंड राउंड कंप्लीट करना है और इसके बाद अपन ग्रुप स्टार्ट करेंगे ओके सो दिस इज पैन संडे दिस इज जेलेंसकी एंड प्राइसेस सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू सेकेंड जो है दिस इज ई डी एम सी गुड विमेन सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी दिल्ली पुलिस ने कहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव दिस इज इम्पॉर्टेंट अब इन इनिशियेटिव को नोटेड डाउन पिंक बूथ है ऑल विमेन पी सी आर है सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप फॉर वेमेन है पेट्रोलिंग बाय वेमेन पर्सनल है और वेमेन कमांडोज है नोट डाउन दीज फाइव पॉइंट एक्सेलेंट पॉइंट्स है जब भी आपसे कुछ पूछा जाए क्या इनिशिएटिव्स वगैरह लेने चाहिए दीज आर रेडीमेड पॉइंट्स सरकारी पॉइंट्स हैं इनको लिखो इस टाइप के इनिशियेटिव से अपन बेटर कर सकते हैं बट ये चीज़ तो है कि अपन मतलब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अगर फंडामेंटली सोसाइटी में हमें ये विमेन सेफ्टी और इक्वल सोसाइटी इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी हमें बनाना है तो उसको ग्रास रूट लेवल से करेक्ट करना पड़ेगा बचपन से ही जिस तरीके से वी आर रेजिंग अवर चिल्ड्रन दैट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वहाँ से अपन अच्छे वैल्यू सिस्टम एंड ऑल यहाँ पे एम्बाइब करें उन्हें बाकी सेफ्टी जो होती है वो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है नॉट ओनली गवर्नमेंट प्राइवेट नॉट ओनली प्राइवेट पब्लिक एवरी इंडिविजुअल का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी कैपेसिटी और डोमेन में जो सोसाइटी है उसको सेफ और इक्विटेबल इक्विटी यहाँ पर इंश्योर करें रिकॉर्ड सेटिंग फ्लीट अब ये बहुत अच्छी न्यूज है इतनी सारी इलेक्ट्रिक बस बसेस हंड्रेड लो फ्लोर ए सी सी एन जी बसेस एंड इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में अभी आ रही है दिल्ली का पॉल्यूशन थोड़ा कम होना चाहिए ये आइडिया है सशक्तिकरण की भर्ती उड़ान भारतीय नारी छू रही आसमान ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और ये प्रधानमंत्री साहब का मैसेज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी अदम्य नारी शक्ति को नमन भारत को देश की महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व है विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने का अवसर मिलना हमारी सरकार के लिए सम्मान की बात है तो इसी पे अपन एक आंसर राइटिंग करते हैं इसको आगे देखते हैं जब अपन चाइल्ड वाला देखेंगे आर्टिकल तब इसको देखते हैं बिफोर दैट जो अभी अपन ने आधार का पढ़ा तो एक नोट तैयार करिए आधार पे ये प्रश्न एक है प्रिपेयर अ नोट ऑन आधार डिस्क बेनिजेस एसोसिएटेड विद आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में पड़ा था ना आधार बायोमेट्रिक पेमेंट तो ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम प्रिपेयर आज के लिए देन अ हाउस ऑफ कार्ड ये एडिटोरियल प्राइमरली ये बोल रहा है अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ की जो एम डी है फॉर्मर एमडी एंड सी ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज चित्रा रामकृष्णा इन पे एलिजेशंस लगे कि इन्होंने रॉन्ग डूइंग किया है तो एक प्रोब चल रहा है इन्होंने मिसयूज़ किया डेटा का एक्सचेंज किया मार्केट प्लेयर्स को और इससे गवर्नेंस का लैप्स हुआ तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया कि ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर कैसे हो गया कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना इंटरनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना अ नोन पर्सन से इज नॉट एट नॉट एट ऑल अलाउड मैनी ऑफ यू आर इन गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एनकरेज नहीं किया जाता है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड ऑल सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी केयरफुल अदरवाइज इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है द काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड गवर्नेंस नॉर्म्स वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सच सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल मार्केट में ये गलत है कि इतना महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है और इस टाइप की रॉन्ग डूइंग कैसे हुई एक्चुअली ये जो ऑपरेशन था एन एस सी फॉर्मर चीफ का ये किसी एक अननोन थर्ड पार्टी पर्सन था उनके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन भी पास हो रहा था उनसे गाइडेंस भी हो रहा था डिसीजन मेकिंग एंड ऑल तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है पहला पार्ट तो ये था दूसरा जो एन का प्रॉब्लम हुआ वो ये था को लोकेशन का ये जो सर्वर्स हैं डेटा है इनका ये एक से आउटसोर्स कर दिया इन्होंने डेटा वगैरह इन्होंने किसी एक बाहर के सर्वर में ऐसे रख दिया अब उसके थ्रू ये बाईपास हो रहा है तो ये जहाँ पे रखा है जो उसको होस्ट कर रहा है डेटा उसके पास कुछ सेकेंड्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उस डेटा कौन सा फ़्लो हो रहा है उसको रीड करना और अकॉर्डिंगली डिसीज़न बनाना तो इससे जो सुपर कंप्यूटर्स है अलगोरिदम वगैरह वो हाई फ्रिक्वेंसी जो ट्रेड है ना उसका डायरेक्शन दो तीन सेकेंड का अगर उन्हें अर्ली एडवांटेज मिल गया तो ये तो हो गया कि वो मार्केट को टिंकर भी कर सकते हैं मैनुपुलेट भी कर सकते हैं तो ये अलगोरिदम फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स जो था डेटा एक्सचेंज में जो गया है तो इनको एक्सेस मिल रहा था सारा डेटा इसी को कोलोकेशन सर्विसेज बोलते हैं मार्केट ऑपरेटर्स विलिंग टू पे अ अ प्रीमियम हेड स्टार्ट ऑन एक्सचेंज ट्रेडिंग डेटा तो जिसने कोलोकेशन में अपना सर्वर रखा है उसको हेड स्टार्ट मिल गया थोड़ा अर्ली लीड मिल गया तो वो ज्यादा फायदा कर लेगा तो ये तो रॉन्ग डूइंग हो गया अब ये जो कोलोकेशन और सर्वर ये सब हैं ये बड़ा महंगी चीजें हैं तो इसके कारण क्या हुआ स्टॉक मार्केट में इक्विटी होना चाहिए एक साधारण आदमी भी पैसा लगा रहा है मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी भी लगा रही है एमएनसी के पास कोलोकेशन का सर्वर होस्ट करने का पैसा है इसके पास हेड स्टार्ट मिल गया तो ये तो एडवांटेज में हो गया ना यहाँ डेमोक्रेटाइज नहीं हुआ स्टॉक मार्केट सो ये अब एक सवाल उठ रहा है एन का केस बताता है अनफेयर एडवांटेज मिला ब्रोकरस को जिनके पास कोलोकेशन था यूजर कम्युनिटी का हेड हेड स्टार्ट मिल गया तो इससे क्या हुआ कि अनफेयर हो गया पूरा स्टॉक मार्केट बट ये जो है ना कोलोकेशन की सर्विस ये लीगल है ऐसा अलाउ है एक्ट में बट द पॉइंट इज इसको भी अब रिविजिट करने की ज़रूरत है डिफेंडर्स ऑफ सच सर्विस से प्रीमाइस ऑफ गिविंग प्लेयर्स विद डीप पॉकेट्स क्विकर एंड मोर इन्फॉर्मेशन देन द एवरेज रिटेल इन्वेस्टर ये ओपन मार्केट फिलॉसफी के अगेंस्ट है तो ये तो बिल्कुल ट्रू पॉइंट है ये ओपन मार्केट फिलोसफी के अगेंस्ट है तो अभी इस पर भी चल रही है बातें देखते हैं को लोकेशन में आगे क्या चेंजेस आते हैं अब इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है ना एक्चुअली हमको तब पता चलता है जब वो स्कैम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मार्केट में फिसल ब्लोवर ने बता दिया सीबीआई हुआ सेबी हुआ इनको ये चीज़ें शुरू में ही डिटेक्ट कर लेनी चाहिए थी 2016 से है लेकेडसिकल एटीट्यूड था इसीलिए ये आर्टिकल बताता है इंस्टीट्यूशनल फेलियर क्यों हो रहा है इंस्टीट्यूशनल फेलियर रोकने की जरूरत है अ हाउस ऑफ कार्ड्स दिस इज टेरर इन पेशावर टेररिज्म किसी भी फॉर्म का अलाउ नहीं करना है टेररिज्म किसी भी फॉर्म का हमें एनकरेज नहीं करना है स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं और सच टाइप ऑफ थिंग्स नहीं होनी चाहिए चाहे वो एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड हो तो अभी पेशावर में इस टाइप का अटैक हुआ दिस टेल्स की सिस्टमेटिकली कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये यहाँ पर है कि दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड टेररिज्म नहीं होना चाहिए डिवाइजिव टेंडेंसी हमें एनकरेज नहीं करनी चाहिए सील्ड कवर जुरिस्ट्रडेंस इज अपैलिंग ये आर्टिकल भी एक बात बताता है जैसे एक टेलीविजन चैनल है उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया क्यों नहीं किया रिन्यू इसलिए नहीं किया कि वो जो चैनल का कॉन्टेंट है वो एंटी इंडिया है एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व था लाइक like दैट अब इससे ये बात आता है कि चैनल के पास में इंडिविजुअल के पास में तो है हमारा राइट्स अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन आर्टिकल नाइनटीन बोलता है राइट टू तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बट जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते राइट्स में सर्टेन कंडीशंस भी लगी हुई है कि वो सर्टेन कंडीशंस में जो आपके राइट्स हैं वो स्टॉप किए जा सकते हैं तो गवर्नमेंट ने इसी बिना पे इसको इंटरफेयर किया और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए आर्टिकल 19 में क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट तो इस तरीके से जो यहाँ मीडिया हाउस था इसके इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ इसको स्टॉप कर दिया अब इनसे पूछा गया कि किस बेसिस पे स्टॉप किया जा रहा है फंडामेंटल राइट right को ओवरराइड क्यों हो रहा है तो सरकार ने बताया कि दिस इज़ वॉयलेटिंग जो है जो मीडिया का वर्क है वो अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी है और उसके प्रूफ्स वगैरह सील्ड एनवलअप में कोर्ट को दे दिए अब कोर्ट को भी जब ये बोला जाता है कि दिस इज़ अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी तो कोर्ट अब कुछ नहीं कर सकती नेशनल सिक्योरिटी फिर ऊपर हो जाता है फंडामेंटल राइट से द पॉइंट इज ये जो प्रैक्टिस है सील्ड एनवलप में प्रूफ्स देने का इसका भी कुछ प्रोविज़न होना चाहिए कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ सके तो यही यहाँ पे बताया है कि फंडामेंटल राइट्स अगर ब्लॉक होते भी हैं तो वो फेयर होने चाहिए वो एक प्रोसीजर के थ्रू होने चाहिए मिनरवा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया चंद्र कुमार यूनियन ऑफ इंडिया ये सब मैंने नोट्स में लिख दिया है आप वीडियो देखो फोकस ऑन वीडियो ओनली नोट्स के लिए डू नॉट वरी ये नोट्स एनी वे आई शेयर नोट्स जब शेयर करता हूँ तो आप उससे रिवाइज कर लिया करो सिंपल बट वेन आई एम टेलिंग अबाउट दीज न्यूज आइटम्स जस्ट फोकस एंड लिसन केयरफुली इससे ना आपका रिविजन भी हो जाएगा आफ्टर सम टाइम जब आप खुद से नोट्स को देखोगे तो ओके okay? तो साइमल्टेनियसली नोट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं करने अभी जस्ट फुल कॉन्सेंट्रेशन से लिसन टू दिस तो मिनरवा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया आया इसने बोला फंडामेंटल प्रिंसिपल ज़रूरी हैं एग्जीक्यूटिव विशेष टू लिमिट राइट्स राइट्स को रोका जा रहा है किसी केस में कुछ सेंसर करना है स्पीच को रोकना है तो अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो वो ही होगा और ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये बताने पड़ेंगे कोर्ट को प्रिंसिपल इज द बैड रॉक ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि मतलब फंडामेंटल राइट्स रोके जा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए कि किस बेसिस पे आप रोक रहे हो उसे जस्ट लाइक दैट नहीं सील्ड कवर जो प्रैक्टिस है जो होती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कोर्ट को बस बता दिया दीज आर द रीजन दैट इज वाई वी आर स्टॉपिंग दीज फंडामेंटल राइट्स इस चीज़ में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है फिर एक ए जबलपुर का केस था 1976 इसमें भी बताया गया फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी बट कोर्ट को वहां पे संज्ञान होना जरूरी है From the files produced before the court, it is discernible that the committee of officer took note of the inputs given by the intelligence agency. But ये जो intelligence agency के notes हैं वो serious nature के हैं या नहीं है So the idea is ये नहीं है कि fundamental right रोके नहीं जा सकते The idea is fundamental right जिस तरीके से रोके जा रहे हैं उस पे transparency और थोड़ा ज़्यादा sincerity लाई जा सकती है from government end and court end both. तो किस तरीके का नेचर है कैसा थ्रेट है डेप्थ ऑफ इश्यू क्या है ये सब चीज़ें मेंशन करो कोर्ट को फाइल जो सील्ड एनवलअप है उसमें क्लियर और सिग्निफिकेंट इंडिकेटर हो तभी फिर वहां पे फंडामेंटल राइट ब्लॉक होंगे तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो प्रपोजिशन है जो आर्ग्यूमेंट है कि किस तरीके से रोकना है डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट ज़रूर पास होना चाहिए अननेसेसरी ब्लॉकेज जो होता है तो वो डिफीट करता है डेमोक्रेसी को फिर इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट की बात हुआ ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट क्या होते हैं डेजिग्नेटेड मतलब कि जो ब्लॉक किया जा रहा है फंडामेंटल राइट right, वो जायज़ है प्रोपोर्शनली टेस्ट है डेजिग्नेट फॉर प्रॉपर परपज हो मेजर्स अंडर टेकन टू इफेक्ट सच ए लिमिटेशन रैशनली कनेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ दैट परपज मतलब रैशनली जरूरी है मेजर्स जो लिए गए हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था मतलब अब ब्लॉक करना ही ओनली ऑप्शन रहा है हमारे पास देर नीड्स टू बी प्रॉपर रिलेशन प्रपोर्शनैलिटी और एक बैलेंस्ड व्यू हो ऐसा आउटराइटली ब्लॉक भी नहीं कर रहे हैं अपन सोशल इंपॉर्टेंस उसको देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखो लॉज को देखो देन ओनली ब्लॉक करो सेम चीज़ के एस पुट्टा स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया ने भी बताया कि प्रपोर्शनैलिटी जरूरी है वेन एवर फंडामेंटल राइट्स आर ब्लॉक्ड सो द पॉइंट इज इस चीज़ को लेटर एंड स्पिरिट में भी हमें इम्प्लीमेंट करना जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है बट जस्ट बिहाफ ऑफ नेशनल जो सिक्योरिटी है हम यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकते इस पूरी प्रोसेस को तो नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी द बग बी बात यह है कि प्रपोशनैलिटी हो यहाँ पे और जो तरीका है वो ट्रांसपेरेंट हो दिस शुड बी दैर नो कोर्ट कैन रीड एंड अप्लाई अ प्रीवियस जजमेंट एज इफ इट इज़ अ स्टैश्यूट बट दिस इज वॉट कैरल तो यहाँ क्रिटिसाइज भी किया है हाई कोर्ट का

यहाँ जो प्राइमरली बात है वो ये है कि वर्किंग विमेन वर्किंग वीमेन में भी जो वर्क है उसमें भी क्वालिटी लाना ज़रूरी है उसमें भी फॉर्मलाइजेशन लाना ज़रूरी है तो अभी जैसे वेमेन्स डे है आज मार्च एट जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो ये बहुत जरूरी है जेंडर इक्वालिटी हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होती है वेमेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हर स्पीशीज़ में ऑलमोस्ट बैलेंस होता है मेल एंड फीमेल लगभग लगभग बराबर होते हैं हर स्पीशीज में अगर हम ह्यूमन बींगस की बात करें तो हम 50 परसेंट पॉपुलेशन को अगर राइट्स नहीं दे रहे हैं उनकी इकोनॉमिक जो कैपेबिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो ये तो कितना डिग्रेड कर रहे हैं अपन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को अगर अपन राइट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सोसाइटी सो द पॉइंट इज जेंडर इक्वेलिटी इज जरूरी सो दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर पाए और एक सस्टेनेबल टमोरो बने तो दिस इज द मैसेज अब बात आती है फॉर्मल वर्क में भी इन इनका रिप्रेजेंटेशन हो तो यही बात लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन है तो फिर वो इनफॉर्मल वर्क में हो रहा है या फिर लेबर इंटेंसिव है लो पेइंग है जॉब्स कंडीशंस नहीं है अच्छी इस चीज़ पे वर्क करना ज़रूरी है वुमेन्स इनफॉर्मल वर्क इज़ सेंट्रल टू दिस तो पॉवर्टी से अगर हमें दूर करना है सोसाइटी को तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क क्वालिटी ऑफ वर्क ज़रूरी है अब यहाँ बताए मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट का तो इसमें क्या था 2017 में एक्ट आया कि मैटरनिटी लीव अगर वुमेन ले रही है 26 वीक का उसे मिलेगा 26 वीक का मैटरनिटी लीव मिलेगा और वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी होगा इस पीरियड में म्यूचुअल अग्रीमेंट एम्प्लॉयर के साथ क्रीश फैसिलिटी भी होगा बच्चा छोटा है तो उसके लिए क्रीश फैसिलिटी भी मैंडेटरी होगा एस्टेबलिशमेंट जहाँ फिफ्टी या ज़्यादा वुमेन वर्क कर रही है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये केवल फॉर्मल सेक्टर में है बट एम्प्लॉयमेंट हमारा ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में है तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं पहुंच पा रहे दिस इज वन थिंग दैट इज़ वाई हम हमेशा बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी चाइल्ड केयर सर्विसेज हो वुमेन वर्कर्स के यहाँ लेबर फोर्स सीजिंग देयर अर्निंग एक्चुअली क्या होता है इसके कारण जो वमेन है वो प्रॉपरली जो ऑफिसेज हैं वर्क है, है उधर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाती सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग की जो वर्क प्लेस है वो एक सेफ सिक्योर और जस्टिफाइड हो वहाँ पे जस्ट प्लेस बनाए फॉर वर्क अब इसमें आई सी डी एस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आई सी डी एस प्राइमरली बच्चों पर है प्रोवाइड मटर्नल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्लीन और सेफ हो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो फैसिलिटेट करें एबिलिटी ऑफ विमेन टू री एंटर री एंटर वर्क पोस्ट चाइल्ड बर्थ वरना एक्चुअली इंडिया में ये ट्रेंड देखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कि पोस्ट पोस्ट चाइल्ड बर्थ विमेन वापस अपने वर्क को रिज्यूम नहीं कर पाती है तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करना जरूरी है सेकेंड अगर कुछ ही घंटे का है इनकनवीनियंट है अगर बच्चे हैं तो यहाँ पे क्रीश फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जरूरी है अलाउ मदर्स टाइम फॉर पेड वर्क एंड कन्वर्ज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी इम्पोर्टेंट है आंगनवाड़ी की अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड केयर में अगर यहाँ पे छोटे बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया जाए और क्रीश फैसिलिटी भी हो तो यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वर्क फोर्स में इस चीज़ को भी हम एनकरेज करें रिवाइटलाइज करें क्रीश स्कीम रीवाइटलाइज करें प्रोविजन ऑफ द स्कीम नेटवर्क ऑफ पीपल वर्क प्लेस ये सारा बेनिफिशियल उन्हें प्रोवाइड करें टाइमली ब्रेस्ट फीडिंग एंड अटेंडिंग टू इमरजेंसी भी एंश्योर कराए क्रैश जो क्लोजर है वर्क प्लेस में होगा तो ये चीज़ एंश्योर हो पाएगा इससे ना बेनिफिट होगा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा ये काम कर रही है कुछ इंडियन सिटीज में द पॉइंट इज इसमें एन जी ओ सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट सबका कलेक्टिव वर्क रिक्वायर्ड होगा एन एफ एस एन एफ एस ए में ये प्रोविजन था प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को कैश ट्रांसफर होगा छः हजार रुपये का बट ये स्कीम बाद में प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में आ गया नोटिफाइड बेनिफिट इसमें केवल फर्स्ट बर्थ हो रहा है और जो अमाउंट है वो भी अब छः से पाँच हज़ार हो गया है तो इस चीज़ को भी रिविजिट करना चाहिए इसके अलावा कुछ स्टेट्स में भी इस टाइप की स्कीम्स चल रही हैं राइट टू फूड एक एसेंशियल चीज़ है इंडिया में वैसे भी हम देख रहे हैं मॉल न्यूट्रिशन और हंगर का डेटा अच्छा नहीं आया था तो जो मिनिमम वेजेज है न्यूट्रिशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंश्योर कराना जरूरी है यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी चाइल्ड केयर इंफ्रा दें और इसको एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड बेनिफिट से लिंक करें तो इससे पब्लिक गुड भी होगा अब हम आते हैं सवाल में वॉट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड विमेन एम्पावरमेंट वेमेन एम्पावरमेंट शब्द से क्या समझते हैं और इसका भी हमें पॉजिटिव चीज देखना है हमें ये नहीं देखना है अक्सर हम इस डिबेट में पड़ जाते हैं कि वुमेन इज बेटर मैन इज बेटर नो इट इज़ नॉट लाइक दैट नेचर ने जैसे स्पीशीज़ को बनाया है मेन एंड वुमेन जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को सो द पॉइंट इज इक्विटी जो लानी है तो वो होता है कि हम जस्ट एंड फेयर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशनरी बिहेवियर नहीं करें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो वो सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट होगा राइट एजुकेशन प्रोवाइड करो डिग्निटी जो सोसाइटी है उसमें जो जो पैटर्निटी या फिर पैरोकियल माइंडसेट है उसको दूर करें एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट टूल है एम्पावरमेंट का एजुकेशन एजुकेशन के बाद इम्पॉर्टेंट टूल है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ दिस इज द दिस इज इन द रियल सेंस इज वन एम्पावरमेंट तो ये सब चीज़ें करना चाहिए अननेसेसरी एट टाइम्स हम ये टेंडेंसी भी करते हैं कि वी स्टार्ट ग्लोरीफाइंग सर्टन थिंग्स नो वी नीड टू हैव दिस इक्विटेबल सोसाइटी एंड देर शुड नाट बी लाइक कि दिस इज बेटर और दिस इज बेटर दिस इज़ नो वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब हमारी सोसाइटी में इक्विटी आएगी तो ट्राई टू थिंक एंड अलोबोरेट दिस वर्ड डिस्कस वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स अब इससे रिलेटेड स्कीम्स इनिशिएटिव्स है जैसे अभी दिल्ली पुलिस का अपन ने देखा था इस टाइप की चीजों को कंसोलिडेट करिए ये बहुत यूटिलिटेरियन होगा आपके प्रम्स में भी और मेन एग्जामिनेशन में भी तो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर टूडे इज अ मोर ह्यूमन सोसाइटी पॉसिबल येस ह्यूमन सिविलाइजेशन का इतना ग्रोथ क्यों हुआ बिकॉज हमने लॉज बनाए हमने सोसाइटी को अपग्रेड किया बाकी सब स्पीशीज़ में भी अगर, अगर अपन देखें तो एडवांसमेंट हमारा इसलिए हुआ बिकॉज पीस आया पीस आया स्टार्टिंग में पीस आया और उसके कारण जो सोसाइटी है हमारी उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में फोकस करने का मौका मिला और वहाँ पे ग्रोथ प्रोग्रेस हो गया अभी भी वर्ल्ड में देखो जिन कंट्री में पीस है जिन कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिन कंट्रीज में वॉर है जिन कंट्रीज में बैकवर्ड दिस मेंटेलिटी एंड ऑल है वो चीज प्रोग्रेस नहीं हो रही है सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है सो द पॉइंट इज इज मोर ह्यूमन सोसाइटी पॉसिबल तो दिस इज दै दैन डेमोक्रेसी इज इ डे ऑफ फॉल्स होप्स फॉर सुमी स्टूडेंट्स चाइना कॉल्स फॉर टाइज टू मूव फॉरवर्ड दैन स्टूडेंट्स दैन दिस इज नेक्स्ट पेज डी डी इंडिया भी अब ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आएगा दिस इज फैंटेस्टिक ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर डी डी चैनल भी होगा ये सरकारी चैनल है बोरिंग नज़र आता है बट ये काफ़ी रिलायबल होता है एग्जाम के हिसाब से ये चैनल्स अच्छे होते हैं इसमें मसाला एंटरटेनमेंट नहीं होता रियल न्यूज ज़्यादा होता है जो हमारे एग्जाम रिक्वायरमेंट को फॉलो करता है डी डी इंडिया है और एक राज्यसभा का भी संसद टी वी है संसद टी वी के प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे होते हैं यूट्यूब में अवेलेबल है वेन यू टाइम उसको एक फॉलो करना चाहिए सो दिस इज जैसे कितने अच्छे व्यूअरशिप शोज हैं इंडिया आइडियाज वर्ल्ड टुडे इंडियन डिप्लोमेसी डीडी डायलॉग न्यूज नाइट एट्सट्रा एक न्यूज ऑन एयर है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है सेंटर सिक्स टाइम ऑन एनडीए इंडक्शन एनडीए में विमेन ऑफिसर्स रशिया ऑफर्स ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इंडो पैसिफिक नाटो बना रहा है चाइना ने कहा यू को फाइव थाउजेंड रशियंस डिटेन रशिया यू टॉप कोर्ट स्किप राइट्स, ऑयल और निकल सोर सोर बढ़ गई फियर ऑफ सप्लाई तो अभी 139 पे पहुंच गया ब्रेंट ऑयल का पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने वाली है अनचार्टेड टेरिटरी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सेंसेक्स प्लंज हो गया 2.74 पॉइंट क्रूड बढ़ा क्योंकि प्राइस अपडेट है चाइना यूक्रेन क्राइसिस एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लो हो गया देन कोल इंडिया है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड एग्री फूड इस पर कुछ ही दिनों में एक और बार आंसर राइटिंग करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड फूड एग्रो दिस प्रोसेसिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जियो एंड दिस इज स्पोर्ट्स इंडियन अच्छा खेल रहे हैं क्रिकेट टीम सिंधु एम्स टू बी इन टॉप गेयर देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में फ्लाई जोन क्या होता है यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि उसको फ्लाई जोन कर दें बट ऐसा हुआ नहीं नो फ्लाई जोन का मतलब है पर्टिकुलर एयर स्पेस एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं होगा एक्सक्लूडिंग परमिटेड बाय एनफोर्समेंट एजेंसी मतलब कंप्लीट बैन हो गया वहाँ कोई फ्लाई नहीं करेगा यूक्रेन एयर स्पेस को फ्लाई जोन नो फ्लाई जोन बनाने की बात है पर अगर ऐसा हुआ इसका मतलब नाटो इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन वॉर तो ये फिर एक बड़ा एस्केलेट हो जाएगा वॉर एयरक्राफ्ट एसेट्स वगैरह यहाँ पे होगा तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा रशिया से तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है नाटो शूटिंग डाउन रशियन फाइटर्स तो फिर रशिया भी उसको काउंटर करेगा चीज़ें और एस्केलेट हो जाएगी यू ने बैन किया है ऑल फ्लाइट्स लिबिया में 2011 में जब लिबियन सिविल वॉर हुआ था नाटो हैज आल्सो प्रीवियसली इम्पोज नो फ्लाई जोन इन नॉन मेंबर स्टेट्स लाइक लिबिया एंड एंडिया में तो दिस इज नो फ्लाई जोन वर्ड में ही लिखा है यहाँ फ्लाई नहीं होगा बट अगर ऐसे नाटो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा रशिया से एफ एफ क्या होता है ये वॉच डॉग है इसका काम होता है फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग

वो ग्रे से बाहर आ सकता है बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है मिथ्स एंड द रियलिटी ऑफ इलेक्शन फोरकास्ट और ये है बुक्स ऑफ सॉलिट्यूड फोरकास्ट इलेक्शन फोरकास्ट, फोरकास्ट तो ये तो था द हिंदू ये दो आंसर हैं आज के डिस्कस करना है एसोसिएटेड चैलेंज आधार एपीएस और वुमेन एम्पावरमेंट क्या है जेंडर इक्वलिटी सोसाइटी अब अपन देखते हैं आंसर राइटिंग फोर्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एक ही सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बनाइए सारे स्टेट्स बताइए और उनकी कैपिटल्स बताइए आपने बहुत अच्छे से इसमें आंसर्स लिखे सी अगर एक ये सवाल आपने अच्छे से कर लिया ना कम से भी कम दो सवाल आपके अभी अपकमिंग प्रलम्ब में करेक्ट होंगे दिस वे या दैट वे घूम फिर के चीज जो होती है ना वो इसी मैप से आती है नागालैंड से कोटाइम जाना है यूपी के स्टेट्स बताने है इक्वेटर कहाँ पर है दिल्ली किस कोऑर्डिनेट पे है क्या नागपुर उधर आएगा नहीं ऐसे सवाल आते हैं हर साल आते हैं इस मैप को बहुत अच्छे से समझना है बॉर्डरिंग स्टेट्स वगैरह एक योर टाइम और इसको बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम देखना है अब जब अपन खुद से बनाते हैं टाइम स्पेंड करते हैं तो चीजें याद हो जाती दिस इज वाई आई एम्फरसाइज सो मच राइट आंसर में पार्टिसिपेट करो एवरीबडी एटलीस्ट वंस तो लिखना है हमें एवरी डे वन आंसर तो जैसे ये लिखा है विशाल ने सी कितना अच्छा डायग्राम है पूरा इन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप बताया स्टेट्स बताया उसकी कैपिटल बताई एट ज्वाइनिंग वेरी नाइस रियली गुड देन वन बाय वन सारी कैपिटल्स भी बता दिया यू टी भी है वेरी गुड काजोल योर मैप वर्क इज रियली गुड अब यहाँ पे इसके बाहर नहीं जाना चाहिए जो मार्जिन है ना इधर रखना है आपको दिस इज रियली गुड सारे हमने यहाँ पे मैंशन कर दिए मीनू आपने भी बहुत अच्छा मैप बनाया सी दिस इज वेरी प्रपोर्शनेट रियली नाइस आशा योर मैप वर्क इज एक्सलेंट वन ऑफ द बेस्ट दिस इज रियली गुड पूरा आपने यहाँ पे अच्छे से बताया वेरी नाइस दिस इज वेरी गुड मैप वंडरफुल फिर आपने साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए गुड आकाश आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और मैप में मैप हम थोड़ा सा और बेहतर करें स्पेशली जो पेनन्सुलर पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैप ना आपको एटलीस्ट पूरा मेन एग्जाम लिखोगे ना तो दस से पंद्रह बार ये इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स में तो इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो देन रसेंद्र आपने भी बहुत अच्छे से बनाया इसको थोड़ा सा जो एक्सेस है वो अपन और करेक्ट कर सकते हैं इसे ऊपर का दिस पेनंसुलर पार्ट इज गुड ये मैप बहुत थॉरली करना है इससे श्योर शोर्ट चार से पांच आपके मार्क्स हैं इस अकेले मैप सौम्या ये मैप बहुत अच्छा है इसका प्रोपोर्शन ऊपर का एंड दिस रियली गुड पॉलिटिकल मैप अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स कैपिटल यूटी वेरी नाइस आकांक्षा यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल दिस पार्ट थोड़ा और बेटर हो सकता है नॉर्थ दिस इज गुड ये मैप बहुत अच्छा है इधर आपने बहुत अच्छे से सारा बताया कैपिटल्स वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड और आपने इंडिविजुअल भी बता दिया ये कलर बहुत अच्छे से किया है बट इसका एक्सेस थोड़ा टिल्ट हो गया है दिस दिस पार्ट एक्स वाई बाकी इज रियली नाइस अब इतना मेहनत किया ना तो ये चीज याद हो गई इतनी सारी चीजें दिस इज दर्पज की हम आंसर राइटिंग को इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं दिस इज गुड वेरी नाइस खुश वेरी गुड बहुत अच्छा मैप है एक्सेस अगेन थोड़ा देखना है बाकी दीज आर रियली गुड सारे स्टेट्स अगेन एक्सेस को देखना है स्ट्रेट दिखना चाहिए स्ट्रेट ओके गुड इससे सवाल आएंगे ओके okay? देन ये आपने बहुत अच्छे से नॉर्थ ईस्ट को भी इलेबोरेट कर दिया दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट आदिति योर मैप वर्क इज अगेन रियली गुड दिस इज दिस इज लुकिंग प्रपोर्शन वेरी नाइस जोग्राफी ऑप्शनल वेरी गुड दैन दिस इज दमन दमन आपने भी बहुत अच्छा मैप बनाया है काफी टाइम स्पेंड किया है इस मैप में गुड इससे सवाल बनेंगे फिर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए दिस इज रियली really नाइस nice, उत्तर प्रदेश राजस्थान एमपी वगैरह के गुड स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट हाईलाइट राम नरेश दिस मैप इज गुड बट प्रपोर्शन सी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ना इसे राइट हैंड साइड बहुत अच्छा बना है लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा और हम एक्सपेंड करें दिस लेफ्ट हैंड साइड गुजरात राजस्थान इस एरिया को ओके सो दिस इज रियली गुड बहुत अच्छे से कर रहे हो दिस इज रियली नाइस ये मैप अच्छा है शीतल का मैप वर्क अच्छा होता है दिस इज गुड दिस पार्ट इज गुड ये पार्ट भी अच्छा है दिस इज एक्सेप्टेबल दिस इज गुड मैप वेरी नाइस देन सारे डेटा लिखने थे मम था आपने तो बहुत अच्छा मैप बनाया है दिस इज रियली गुड वेरी प्रपोर्शनेट और सारे पार्ट्स भी बताएं नॉर्दर्न पार्ट इज रियली नाइस इससे सवाल बनेंगे कौन सा राज्य किससे कनेक्ट कर रहा है जैसे कर्नाटका कितने राज्यों से आंध्रा कितने से मध्य प्रदेश कितने राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से हो रहा है ये सब चीज़ें इंडिया का मैप अच्छे से करना है दिस इज अ मस्ट देन कविता आपने भी बहुत अच्छा मैप बनाया दिस इज रियली गुड ये इतना आपने मेहनत किया ना अब इसका आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा दूसरे सवालों में बेनिफिट करेगा ये बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं यहाँ पे गुड देन प्रियंका मैप वर्क बहुत अच्छा है आज का दिस इज रियली गुड प्रपोर्शनेट है एक्सेस एंड दिस इज गुड वेरी नाइस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिफाइनमेंट होगा इंडिया का मैप अच्छे से कर लो हर एग्जाम में दो या चार सवाल तो इधर से आते ही है देन दिस इज गुड रिया थोड़ा सा मैप में हमें वर्क करने की जरूरत है एक्सेस को स्पेशली जो पेनसुलर पार्ट है इसको थोड़ा हम अपन फ्लैटन कर सकते हैं थोड़ा सा एक्सेस टिल्ट सो दिस इज रियली नाइस मैप वर्क बहुत अच्छा है आपका जो एटलस है उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं हमें स्टेट्स उससे रिलेटेड कैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एट द सेम टाइम जो जिस तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया है दिस इज रियली गुड वेरी नाइस अतुल मैप में थोड़ा वर्क करना है आपकी राइटिंग कोड्स बहुत अच्छे होते हैं ये पार्ट करेक्ट नहीं है पेन को थोड़ा बेटर करते हैं अपन एक्सेस ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये ना आपके साथ रहेगा मीन्स लिखने जाओगे कम से भी कम पंद्रह से बीस आपको मैप बनाने तो प्रिपरेशन अच्छे से करें फरीन दिस पेनसुलर को थोड़ा बेटर करे अपन पेनन्सुलर इंडिया दिस नॉर्थ इज गुड पेनसुलर थोड़ा बेटर इस इस गुण, गुण। दिस इज अगेन रियली गुड वेरी गुड धनाक्षी दिस इज रियली गुड आपने अच्छा बनाया है प्रपोर्शनेट दिख रहा है ये दिस इज गुड इंडिया का मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें वेरी नाइस अर्चना दिस इज नियर परफेक्ट मैप नियर परफेक्ट दिस इज वंडरफुल एकदम परफेक्ट मैप है ये बहुत अच्छे से बनाया है दिस इज रियली गुड वेरी नाइस देन अपने स्टेट्स भी बता दिए देन रंजिता आपने भी बहुत अच्छा बनाया दिस इज एक्सेप्टेबल एक्सेस वगैरह सब बहुत अच्छे से है गुड मल्टीपल टाइम्स इसको देखना है एटलस में देखना है रिवाइज करना है ओके okay? सो so, ये सबमिशन है अब कल अपन आज अपन ने ये देखा नेक्स्ट अपन फिर नेक्स्ट डे का करेंगे राइट right आंसर जब पार्टिसिपेट करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट में इट विल हेल्प यू सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ